नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिकर समाचार से। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज रामनवमी के दिन पे भक्तों की भीड़ उमड़ी है सूर्य पुत्री तभी में साख विसर्जन के लिए। और जब साख विसर्जन के लिए ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ से जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक आप देखेंगे कि ये लोग जो है वो यहाँ पर नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और पूरी मस्ती जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरफ तस्वीर देखेंगे तो देखेंगे क्या कर रहे हैं, पूरी मस्ती कर रहे हैं वो। देखें बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पानी, अभी इसमें मिट्टी काफी है लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो साथ में स्नान भी कर रहे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। और ये तस्वीरें हल्की पौड़ी से दिखा रहे हैं, यहाँ पर साख विसर्जन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। अच्छा माता जी, आप अपना नाम बताएंगे? आशु। अच्छा मुझे बताएं, आज आप साख विसर्जन आपने कर ली है? हाँ जी। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, रामनवमी है आज, सभी आपको सुन रहे हैं लोग, क्या कहोगे? तो ये देखें भक्त जो है वो यहाँ पर साख विसर्जन जरूर कर रहे हैं। कुछ शब्द कई बार कई कैमरे के सामने आने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे अचानक से। और यहाँ पर शादीशुदा महिलाएं हों वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं साख विसर्जन करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल कुमार। अच्छा आप भी साख विसर्जन करने के लिए आए हैं? हाँ जी। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी हाँ नहीं, शादी नहीं होगी। अच्छा थोड़ा है आपको मान्यताओं का पता कि क्या मान्यता होती है? सर इतने नॉलेज नहीं है घर वालों के साथ। अच्छा ये आपने स्वयं खुद लगाई थी? मम्मा ने लगाई है, मम्मा और आ रहे हैं अभी साथ में ये सब। अच्छा तो माता जी, अच्छा ये सारे आपके साथ हैं? अपनी फैमिली लगा लो, अब इनसे पूछ लो, मुझे तो नॉलेज नहीं है इतनी चीज की। इसको नॉलेज है ज्यादा? इनको होगी, इनको मुझे तो नहीं है। अच्छा माता जी आपको है नॉलेज साख विसर्जन क्यों करते हैं? माता रानी ने दिया है, माता रानी की दया है इनके ऊपर। माता रानी की दया होती है, जो नवरात्रे जिन्होंने सब नवरात्रे रखे होते हैं वो साख विसर्जन करते हैं। जी वो साख दया करती है माता रानी, लगाते हैं हर साल, माता रानी रक्षा करती है हमारी तो लगाते हैं। शादीशुदा कर सकते हैं कि सारे करते हैं? सभी करते हैं। हाँ जी। ऐसा नहीं है मतलब कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि शादीशुदा करेंगे दूसरे करेंगे? सभी करते हैं। अच्छा आप बोलेंगे क्या कहोगे, क्या मनोकामनाएं आज आप साख विसर्जन करने के लिए पहुंचे हैं? 9 दिन नवरात्र रखने के बाद विसर्जन करते हैं, कंजक पूजन के बाद विसर्जन करते हैं ये, तो हमें अच्छा लगता है ये विसर्जन करना 9 दिन व्रत रख के बाद, उसके बाद विसर्जन करते हैं। 9 दिन व्रत जिन्होंने रखा है और वही विसर्जन कर सकते हैं, बाकी नहीं करते हैं? माता का विसर्जन जिसने माता लगवाई हो वो ही करेगा। अच्छा क्या कोई आपकी इच्छाएं होती हैं विसर्जन करने से करते समय, कुछ माताओं से मांगते हैं आप? नहीं हमें अच्छा लगता है इसलिए विसर्जन करते हैं, 9 दिन का 9 दिन लगाने उसके बाद माता का विसर्जन करना, पास वगैरह रखने के बाद विसर्जन करते हैं। लोगों उससे क्या कहोगे? लोगों से यही कहेंगे सभी माता लगाएं कि नवरात्रे रखने के बाद विसर्जन करें, जिस जिसकी अपनी मर्जी है फास्ट रखने की वही रख सकता है, कोई इससे रख सकता है। 8 दिन नवरात्रे रखने के बाद साख विसर्जन कर रहे हैं। और इन्होंने देखे, इन्होंने तो काफी सारी साख जो है वो लगाई थी और यहाँ पर ये पहुंचे हैं।
अच्छा आप अपना नाम बताओगे? मेरा नाम सोनिया डोगरा है। आपका नाम? मेरा नाम रितु कटोच है। आपका नाम? सीमा कटोच। आप सभी एक साथ ही हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा क्या कहोगे आज के दिन? आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा, हाँ जी, और खुशियों से भरा है। हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमें माता रानी यहाँ पे सालों साल बुराती है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है ये। मुझे लगता है आपकी नई नई शादी हुई। हाँ जी बिल्कुल, सभी की पति भी आए यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर साख विसर्जन करने ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और थोड़ा सा अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो हल्की पौड़ी में यहाँ पर काफी सारे लोग जो हैं वो पहुँचे हैं, महिलाएं पहुँची हैं साख विसर्जन करने के लिए, स्नान यहाँ पर कर रहे हैं और पूरा लुत्फ ले रहे हैं। इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।